हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सारे जितने भी एनवायरनमेंट के एक्ट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, समिट्स, प्रोटोकॉल्स, ये सारे के लेक्चर्स मैं आपके लिए लाऊंगी। तो पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से जितने भी एक्ट्स, इंस्टीट्यूशंस हम पढ़ने वाले हैं, उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको पता होना चाहिए। और साथ ही ये एक तरीके की अकाउंटेबिलिटी भी होगी इस लेक्चर के थ्रू, कि ताकि आप मुझे याद दिला सकें कि मैंने कौन सा एक्ट जो है वो नहीं कवर किया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नेशनल एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इंडिया में इसकी क्या कंडीशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे तो ओरिजिनली कोई ऐसे प्रोविजंस, डायरेक्ट प्रोविजंस नहीं हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग, लेकिन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट को लेकर स्टॉकहोल्म में 1972 में, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके हिसाब से एमेंड किया गया था और इसमें ये बदलाव लाए गए थे ताकि इसमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स ऐड कर सकें। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से ही थे, तो नहीं थे, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है 1972 से ये सारे एनवायरमेंटल मैंडेट्स ऐड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर देखते हैं एनवायरमेंटल रिलेटेड लेजिस्लेशन जो हैं। सबसे पहले आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1971 का था और 72 में से लागू किया गया। 42nd अमेंडमेंट सबको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, क्लॉज जी, आर्टिकल 51A, वो ये कहता है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक इंसान की कि वो प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे नेचुरल एनवायरनमेंट को। फिर क्लॉज जी आर्टिकल 51 का, ये अगर हम डायरेक्ट स्टेटमेंट के रूप में पढ़ें तो ये कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। मतलब हर एक इंसान की ड्यूटी होनी चाहिए, हर एक सिटीजन की स्पेशली ड्यूटी होनी चाहिए कि किस तरीके से वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, और नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ों की गिनती की गई है, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके लिए सद्भावना होनी चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है डायरेक्टिव्स की, स्टेट्स को जो दिए जाते हैं, जो कि मेंशन्ड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जिसमें कि 48 आर्टिकल जो है, 48A आर्टिकल कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। मतलब स्टेट को भी कदम उठाने चाहिए ताकि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, वाइल्ड लाइफ जितनी भी है उनकी रक्षा कर सके। अब आर्टिकल 21 आपको पता ही है कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, राइट टू हेल्दी एंड हेल्दी एनवायरनमेंट के बारे में ये बात करता है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट जो कि 1980 में आया, वो आगे चल के बना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जिसे हम MOEF कहते हैं, 1985 में आया है। फिर आया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्योंकि भोपाल ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद ये प्रोटेक्शन एक्ट आया, जो कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है। मतलब इस लेजिस्लेशन के अंदर कई सारे लेजिस्लेशन होंगे, तो जितने भी लैक्यूने हैं उसे फिल करने के लिए, जितनी भी कमियां थी पहले की जितने लेजिस्लेशंस हैं उनके में जितनी भी कमियां थी उन्हें फुलफिल करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये सारे एक्ट्स और पॉलिसीज़ हैं जिन्हें हम कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, क्योंकि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट और जितने भी पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट हैं और रूल्स हैं 91 के, 92 में जो अमेंड हुए हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ट्राइबल्स के लिए, और ये जितना भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके बारे में स्टडी करना हमें काफ़ी ज़रूरी है, ये आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन, इस साल का अगर आपने UPSC मेंस का पेपर देखा है पूरा, इसमें कोस्टल रेगुलेशन जोन के से कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा ही है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ताकि आप इसे डायरेक्टली आंसर राइटिंग में भी काम में ला सकें।
फिर वेटलैंड्स के बारे में देखेंगे, रामसर कन्वेंशंस और ये सारी चीज़ें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑन पॉल्यूशन सेस एक्ट, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और भी कुछ पॉलिसीज़ वगैरह हैं जैसे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रूल, क्योंकि दिल्ली का पोल्यूशन हम देख ही रहे हैं, तो उस हिसाब से वो सारी चीज़ें, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, कितना मोदी जी ने इस पर फोकस किया है ये हम सब जानते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। फिर आइलैंड प्रोटेक्शन जोन के बारे में देखेंगे, और ये बाकी सारे भी हम इसमें सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। और हाँ, ये एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दिल्ली एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, इसके बारे में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। फिर देखते हैं प्रीलिम्स का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आपको पता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 अगर आपने पढ़ा है तो ये काफ़ी आसानी से आप सॉल्व कर जाएंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, इनमें से क्या करेक्ट है, कुछ भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या करेक्ट नहीं है वो नहीं दिया है, डायरेक्टली पूछा है करेक्ट क्या है। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आगे देखते हैं ये वाला भी क्वेश्चन। अब देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स 2019 में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का पूछा है, तो ये भी अगर आपने पढ़ा होगा तो डायरेक्टली आप सीधे सीधे इसके बारे में बिना सोचे टिक कर सकते हैं सही आंसर। अब आगे ये मेंस का सवाल है। मेंस के सवाल में सबसे पहले देखिए ये पूछा है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम। तो सबसे पहले आपको इकोसिस्टम के बारे में पता होना चाहिए एज रेलेवेंट टू एन एनवायरमेंट। एक्सप्लेन हाउ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट वाइटल। अब ये इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, ये बोला गया है कि इकोसिस्टम और एनवायरमेंट के बारे में क्यों जानना ज़रूरी है जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन के बारे में बात करते हैं। तो जाहिर से बात है इन सब के बारे में हमें पता रहेगा, साथ ही साथ हमें लेजिस्लेशंस कौन कौन से हैं, क्या हमें चेंजेस करने हैं, ये सारी चीज़ों को मिलाकर हम बहुत ही शानदार आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस की बात की है, तो हम जब सारे लेजिस्लेशंस पढ़ लेंगे तो हम इस सारी चीज़ों को आंसर में लिखेंगे, तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा कि इन्हें सारी चीज़ें अच्छे से पता है, और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कुछ सवाल हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा है, हमने पढ़ा अभी ओजोन डिप्लीशन के बारे में, के रूल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर अब यहाँ पूछा है डिप्लीशन ऑफ मैनग्रूव्स के बारे में, तो ये सारी चीज़ें आपकी इस पूरे लेक्चर सीरीज से कवर हो जाएगी। आगे देखते हैं, ये कुछ बेसिक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, कौन कौन सी जो बॉडीज़ हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई हैं, उसके बारे में हम सारी चीज़ें यहाँ पर जानेंगे। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कितना इम्पॉर्टेंट है आपको पता ही है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कितना इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम पूरे लेक्चर सीरीज़ में कवर करेंगे। फिर समिट्स एंड प्रोटोकॉल्स उतने ही ज़रूरी हैं, क्योंकि इनके बेसिस पे टाइम टाइम पे हमारी कंट्री में भी लेजिस्लेशंस बनते रहते हैं, तो इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ यूपीएससी का ये काफ़ी फेवरेट जोन भी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस रिसर्च करती है, जैसे IPCC की एक रिपोर्ट आती है जिसके बेसिस पे पूरे क्लाइमेट चेंज पे डिस्कशन होता है, बहुत ज़रूरी है इसे कवर करना, अच्छे से जानेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमें दोबारा डाउट ना आए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे ताकि हम आंसर्स बहुत अच्छे से लिख सकें। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो, मैं बहुत अच्छे लेक्चर्स आपके लिए लाती रहूँगी, बहुत मेहनत कर रही हूँ और आपका सपोर्ट चाहिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो। और हाँ, एक और बात, हमें रुकना नहीं है, ये बात ज़रूर याद रखनी है, जैसी भी हो, कितनी भी मुश्किलें आए, चलते जाना है, हम अपने लक्ष्य को ज़रूर पा लेंगे, बस चलते जाना है, और कितनी भी स्पीड स्लो क्यों ना हो, जब हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो ज़रूर सफलता पा लेते हैं। तो आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं इसी नाम से,
और साथ ही अगर आपको PDF चाहिए इन सब लेक्चर्स की तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर आप ये सारे PDFs ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको सोशल इश्यूज और सोशियोलॉजी अगर आपका ऑप्शनल है तो वो सारे लेक्चर्स मैं अनअकैडमी पर अपलोड करती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बहुत से और लेक्चर्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ फॉलो मी।